नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सचिन सर और शिशिर जी के साथ हमारी वृहद चर्चा लघु पराशरी पर जारी है और आज हम आगे के श्लोकों की चर्चा करेंगे। 13वें श्लोक तक हमने पिछले एपिसोड्स में चर्चा की है और आज हम 14वें श्लोक से अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। बहुत स्वागत है सचिन सर का, बहुत स्वागत है शिशिर जी का। नमस्कार हिना जी, और एक बार फिर से धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का जिन्होंने इस प्रोग्राम को इतना पसंद किया, और उन्हीं के ही प्रेरणा सूत्र से हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और आज से हम लोग तृतीय अध्याय योग फल अध्याय की हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है सर, योग फल अध्याय। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये समझ लीजिए कि पिछले दो चैप्टर में हमने नींव रखी और ये पहला कॉन्क्रीट मंजिल जो है इमारत ये बनेगा, जिसके ऊपर की इमारत बननी शुरू होगी। और जैसा कि नाम बता रहा है, योग फल। अभी तक हम लोगों ने सिंगल लॉर्ड्स की बात करी है। केंद्र का लॉर्ड है तो क्या है, त्रिकोण है तो क्या है, त्रिषडाय है तो क्या है, त्रिक है तो क्या है, द्वितीय या द्वादशेष है तो क्या है, अष्टम है तो क्या है, सब सिंगल लॉर्ड्स की बात हुई है। अब यहाँ पे योग आ रहा है, यानी कि अब दो ग्रहों की बात होगी, कंजंक्शंस की उन बात दोनों का। अब ये दोनों जब मिलेंगे और किस प्रकार से मिलेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ जो लघु पराश्री कहती है उन श्लोकों की व्याख्या और चर्चा हम लोग करें। नहीं, मैं कहना चाह रही थी कि दर्शकों ने आपके समझाने के तरीके को, आपके अंदाज को बहुत सराहा है। बहुत प्रेरणा मिलती है उन्हें ऐसे एपिसोड से। लघु पराश्री सीखने की जो ललक मैंने दर्शकों में देखी और आपके लिए जो उनका स्नेह और प्यार देखा मैंने सर, उसके लिए मैं तहे दिल से दर्शकों का आभार व्यक्त करती हूँ। और सर, आप चैनल पर ऐसे ही बने रहिए और अपने ज्ञान से हम सबों को आप बताते रहिए और हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहिए, ऐसी आपसे आग्रह है। मेरी प्रेरणा सूत्र आपके दर्शक हैं और उनके स्नेह और प्यार के लिए मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। इसी तरह से प्यार और स्नेह देते रहे। तो 14th श्लोक से हिना जी। श्लोक संख्या 14 ये है, केंद्र त्रिकोण पतय संबंधेन परस्परम इतरैर प्रसक्ताश्चेद विशेष फल दायक। इसकी व्याख्या करूं इसके पहले ये बताऊं कि आपने बहुत ही सुंदर पढ़ा है। थैंक यू सर, ये आपने मुझे बहुत इसके लिए प्रेरित किया है। कमल मैम का भी एक हमारी दर्शक हैं, हमारी बहुत सीनियर रह चुकी हैं हमारे क्लास में भी, मैं उनका भी हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। मैम, आपने मुझे जितना ट्रेन किया इसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद। और एक लाइन मैं भी कहना चाहता हूँ कमल मैम के लिए कि वो संस्कृत की बहुत वरिष्ठ प्रकांड ज्ञाता हैं, और संस्कृत में मुझे कहीं पे भी मुश्किल आती है कि भाई ये वर्ड क्या है, क्या कहना चाहते हैं, इसके कितने तात्पर्य हो सकते हैं, कितने भाव हो सकते हैं, कितने तरीके से इसको डिकोड किया जा सकता है। तो जी, कमल जी से मैं मदद लेता हूँ। वाह सर, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम, मेरा उनका नमन और मेरा हम लोग का सौभाग्य है कि वो मेरा भी नमन सर, एकदम जो है खुल करके वो आपके साथ वार्तालाप करती हैं, बताती हैं, समझाती हैं, और उनके साथ इंटरेक्ट करने में बहुत अच्छा लगता है। तो कमल मैम, ये श्लोक आपके लिए, नमन आपको, डेडिकेटेड टू यू। अब देखिए ये श्लोक क्या कह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करता हूं। ठीक है, केंद्र त्रिकोण पतय, यानी कि केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड,
जी संबंध हो जाए परस्पर, यानी कि कुंडली में ये दोनों किसी प्रकार से संबंध बना लें जी और इस संबंध बनने में किसी तीसरे का कोई हाथ ना हो। मतलब यानी से? कि कोई बता रहा हूं, यानी कि केंद्र और त्रिकोण का संबंध बने और इन दोनों ग्रह के अलावा बाकी किन्हीं भी जो घर हैं, कैटेगरी ऑफ घर हैं, उनका कोई भी हस्तक्षेप ना हो, ना तो वो दृष्टि दें, अच्छा, ना वो इनके साथ बैठें, ना वो इनके साथ एक्सचेंज में हो, या फिर इनकी राशियां कहीं त्रिक या त्रिषडाय में ना जाएं। कहने का मतलब है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ केंद्र एंड त्रिकोण, ठीक है सर, अगर बन जाए। यही है इतरैर प्रसक्त शेद, मतलब इसमें किसी और थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ना हो जी, तो ये फलदायक नहीं होते, विशेष फलदायक होते हैं। विशेष फलदायक जी, ठीक है। अब मैं पूरी लाइन को एक बार पढ़ूंगा, धीरे धीरे देखिए दर्शकों को स्वतः समझ में आ जाएगा। जी। केंद्र त्रिकोण पतयः संबंधेन परस्परम इतरैर प्रसक्त शेद विशेष फलदायक, यानी केंद्र त्रिकोण का संबंध हो, किसी तीसरे का टांग ना अड़ी हो उसके अंदर, तो ऐसा योग राजयोग के नाम से फेमस है पराशर जी में, और वो विशेष फलदायक होता है। एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कोई इशू नहीं। अब यहां पे एक शब्द है संबंधेन, यानी कि केंद्र त्रिकोण का संबंध बने। तो लघु पराशरी में चार प्रकार के संबंध इनके बीच में बताए गए हैं जब ये योग फलीभूत होगा। ठीक है। सहावस्था मतलब कि कंजंक्शन, यानी एक ही स्थान में दोनों साथ साथ सह रहे हैं, एक साथ सहपाठी की तरह एक ही घर में जब एक साथ रहे तो वो कंजंक्शन। ठीक है, ठीक है। दूसरा है दृष्टि संबंध, यानी जब दो ग्रह आपस में परस्पर दृष्टि संबंध बना लें केंद्र और त्रिकोण। अच्छा, परस्पर सर, मतलब सम सप्तक परस्पर, आपका शनि और मंगल जो है चार दस हो सकते हैं अगर वो योग कारक हो जाए तो, लेकिन ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से वो परस्पर दृष्टि उनके में संबंध हो जाए। तीसरा होता है क्षेत्र संबंध। क्षेत्र संबंध मतलब एक त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में, केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में, क्षेत्र संबंध। ठीक है, ठीक है। एक्सचेंज जिसे बोलते हैं, ये आपका क्षेत्र संबंध बनाता है। और चौथा होता है स्थान दृष्टि संबंध। स्थान दृष्टि संबंध क्या है? जैसे कि आपका वृश्चिक राशि में सूर्य बैठा हुआ है जी, और मंगल उसको देख ले, यानी कि मंगल ने अपने घर को देख लिया और वहां पे बैठे जो त्रिकोण का लॉर्ड है उसको भी देख लिया, तो स्थान दृष्टि संबंध इसको बोला जाता है। अच्छा अच्छा। अब इन चारों में के सीक्वेंस में सबसे पहला और सबसे पावरफुल बोला जाता है क्षेत्र संबंध, फर्स्ट मोस्ट पावरफुल, युति से भी ज्यादा, युति से भी ज्यादा। एक्सचेंज इज रेयर, जो जितना रेयर है वो उतना पावरफुल, ठीक है, जो जितना कॉमन है वो उतना कम। अब हर आदमी तो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा ना, जी जी तो जो जितना रेयर कॉम्बिनेशन बनेगा और अच्छा बना तो उतना पावरफुल। तो शेष क्षेत्र संबंध जो है उसको सर्वश्रेष्ठ माना है, ठीक है। इससे कम मानते हैं हम लोग दृष्टि संबंध जी, ठीक है, उससे कम होता है स्थान दृष्टि संबंध जी, और सरप्राइजिंगली सबसे कम होता है सहवस्था। है कि नहीं सरप्राइजिंग? अब लघु पराशरी ये हम लोग कहते हैं कंजंक्शन है तो सबसे पावरफुल, ऐसा नहीं।
एक रूल याद रखिए, एस्ट्रोलॉजी में जो जितना छोटा सूक्ष्म कम वो उतना पावरफुल। ओके ठीक है, चंद्र लगन और लगन में ज्यादा पावरफुल कौन? लग्न, 2 घंटे का, ये 2.5 दिन का जी, 2 घंटे। तो जो जितना कम टाइम का होगा वो उतना सटीक और उतना एक्यूरेट रिजल्ट और उतना पावरफुल रिजल्ट देने वाला होगा आपके लिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये फल, ये श्लोक जो है ये यहाँ पे इसको बताता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो लेकिन ये विशेष फलदायक की जो बात हो रही है सर, तो ये किस तरह का विशेष फल, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर दीजिए। ये हमने कॉम्बिनेशंस पर बातें की। नहीं, यहाँ पे विशेष का तात्पर्य और ये शब्द इसलिए जोड़ा गया है कि ये केंद्र और त्रिकोण कहीं से भी दूषित नहीं है, यानी केंद्र की, केंद्र सम होता है, केंद्र तो सम है। अब दूसरी राशि जो है जी, अब उत्तरिक में, त्रिषडाय में, कहीं भी पड़ सकती है, उपचय में। तो कह रहे हैं कि इतर प्रसक्त शेद, मतलब कि निषेध है कि इनकी दूसरी राशि कहीं और खराब घरों में पड़ जाए। हाँ। चाहे वो केंद्र का लॉर्ड हो, चाहे वो त्रिकोण का लॉर्ड हो, अगर ऐसा कंडीशन है तब आपको विशेष फल देगा। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की बात कर रहे हैं, अदरवाइज तो फल सभी देंगे, लेकिन विशेष फल आपको तब मिलेगा जब ये दूषित रहित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस विशेष शब्द का तात्पर्य ये है। अच्छा अच्छा।